नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर हिंसा को लेकर आज 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। राज्य में 3 मई से हिंसा जारी है। सरकार की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया था कि मणिपुर हिंसा में 142 लोगों की जान जा चुकी है। 5,995 केस दर्ज किए गए हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते। जुलाई में ये टिप्पणी मणिपुर ट्राइबल फोरम दिल्ली के एडवोकेट कोलिन की दलील पर की। गोंजाल्वेज ने कहा था कि सरकार ने पिछली सुनवाई में हिंसा रोकने का भरोसा दिया था। मई से 10 मौतें हुई थी, अब संख्या 110 पहुंच गई। उधर महिलाओं को निर्वस्त्र करने के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक आरोपी नाबालिग है। इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीडियो देखकर हम बहुत परेशान हुए हैं, हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए, अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो यह कदम हम उठाएंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर लोगों में लगातार गुस्सा है। 27 जुलाई को इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दी गई। इस पर बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अदालत में पहले से ही इस मुद्दे पर गौर किया जा रहा है, तो एक और याचिका की क्या जरूरत है। साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने अपनी याचिका पेश करने को कहा। याचिका दायर करने वाले वकील विशाल तिवारी ने बेंच को बताया कि मणिपुर हिंसा से संबंधित मुद्दे को उठाने वाली लंबित याचिकाएं 28 जुलाई को सुनवाई के लिए लिस्टेड है। तिवारी ने अनुरोध किया कि उनकी याचिका को भी संबंधित मामले के साथ शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।